हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 में मुंड्रो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारतीय इलाके में मुंड्रो सिस्टम लागू की थी और कौन के कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान से युद्ध के बाद कब्जा किए इलाकों में सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाया था। थॉमस मुंड्रो ने यह व्यवस्था स्थायी कर पूरे भारत में लागू की। इसमें रेवेन्यू का आकलन करने से पहले खेतों का सर्वे किया जाता है, फिर सीधा किसानों से रेवेन्यू का बंदोबस्त किया गया था। और मुंड्रो का ये मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें। 18th सेंचुरी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगाया दिया था। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। जैसे बंगाल में इसके लिए मजबूर किया गया था जूट के लिए, ऐसे आसाम में चाय के लिए और उत्तर प्रदेश में शुगर केन के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र में पंजाब में कॉटन के लिए, मद्रास में चावल की, इस जगह में किसी किसी फसलों के लिए किसानों को मजबूर करता था ये लोग।